हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्स पावर रेंजर लीडर्स की, यानी कि ऐसे लीडर्स जो कि यार बहुत ही बेकार थे पावर रेंजर सीरीज में। जैसा कि हम पावर रेंजर सीरीज को इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, तो यहाँ हमने बहुत सारे रेंजर्स को देखा और बहुत सारे पावर रेंजर लीडर्स को देखा, जहाँ उनकी कुछ अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ थी। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लीडर्स की जो कि यार बहुत ज्यादा बकवास थे, और पर्सनली मुझे ये लीडर्स पसंद नहीं आए पावर रेंजर सीरीज में। तो बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टॉमी ओलिवर के साथ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे यार टॉमी इज अ लेजेंड, और ये चीज मैं भी एडमिट करता हूँ कि टॉमी इज अ लेजेंड। और लेजेंडरी बैटल के दौरान भी टॉमी ने यार सारे पावर रेंजर टीम को एक साथ लीड किया था, जो कि एक बहुत ही कमाल की चीज थी। और इसी के साथ टॉमी एक ऐसा रेंजर है जिसको यार बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और उसने यार बहुत जगहों पर टीम को अच्छे से लीड भी किया है। लेकिन टॉमी हमेशा से ही ऐसा नहीं था। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टॉमी के रेड जियो रेंजर वाली फॉर्म की, जहाँ हमने देखा था कि जब टॉमी जियो रेंजर रेड था, यानी कि लीडर था जियो रेंजर टीम का, तब उसने कुछ ऐसे डिसीजंस बनाए जिसकी वजह से उसकी टीम यार कई बार मुसीबतों में फंसी। अगर इसका एक एग्जांपल दूं, तो हमने एक बार देखा था जब हमारा टॉमी लीड कर रहा था जियो रेंजर टीम को, तब उसने बिना सिचुएशन को देखे अपनी टीम को लीड किया, जिस वजह से उसकी टीम के सारे मेंबर्स एनिमीज के जाल में फंस गए। और इससे हमें पता चलता है कि जब टॉमी ओलिवर जियो रेंजर का लीडर था, तो उसकी वजह से उसकी पूरी टीम मुसीबत में फंस गई थी। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेड गैलेक्सी रेंजर, यानी कि लियो। लियो यार एक अच्छा लीडर था, लेकिन यार उसके इमोशंस उसकी डिसीजन मेकिंग के बीच में आ जाते थे, जिस वजह से वो अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाता था, और कभी कभी तो यार वो बहुत जल्दी सीधे एक्शन में उतर जाता था, जिस वजह से उसकी टीम को कई बार यार मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और शो के दौरान भी हमने कई बार नोटिस किया है कि वो किस तरह गर्म दिमाग का था और किस तरह से वो डिसीजंस बनाता था। तो नेक्स्ट हमारे पास है पावर रेंजर मेगा फोर्स और सुपर मेगा फोर्स से हमारा रेड रेंजर, यानी कि ट्रॉय। ट्रॉय यार कमाल का फाइटर था, इसी के साथ उसके इंटेंशंस भी बहुत अच्छे थे, लेकिन बात करें उसकी लीडरशिप क्वालिटी की, तो यार ये बहुत बेकार थी। और ये मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि शो में हमने देखा है कि ट्रॉय एक तरह से इंट्रोवर्ट था। वो यार अपनी टीम से बहुत कम बातें किया करता था, अपनी बहुत ही कम फीलिंग शेयर किया करता था, जिस वजह से यार उसके जो टीममेट्स थे वो उसको जान नहीं सके और उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। इसी के साथ हमने देखा है कई बार यार वो अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाता था, क्योंकि यार वो अपने टीम वालों के साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं था। तो अगर वो एक अच्छा लीडर होता और अपने टीममेट्स के साथ अच्छे से बातें करता और थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होता, तो उसकी टीम यार और अच्छे से परफॉर्म करती और शायद शो में भी हमें थोड़ा मजा आता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जहां आज हमने डिस्कस करे व्हाट्स पावर रेंजर लीडर्स। तो यार ये मेरा ओपिनियन था, अब आप शेयर कीजिए आपके अपने पर्सनल ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और हमें बताइए आपको क्या लगता है कि कौन सा पावर रेंजर लीडर सबसे बेकार था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।